अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। सो गाइस, वी आर बैक अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का सीन ये है कि मैं हूं अभी चिलास और आप पहाड़ियों से देख सकते हो। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं उधर कहता हूं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के साथ। सो एनीवेज, अभी हम पहुंचे चिलास। 10 घंटे का हमने सफ़र तय करके कल पूरे दिन हमने ट्रैवलिंग की थी। बिकॉज विषम वैली से हम जब निकले तो हमने पहुँचना था चिलास होटल पे एक दिन का स्टे करने, क्योंकि सब थके थे। एनीवेज, अब हमारा जो है कल एक दिन का स्टे था और अब हम इन पहाड़ियों को छोड़ के जा रहे हैं। सो बाय बाय, बिकॉज अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं हुंजा के लिए। बेसिकली हम आए थे हुंजा की ट्रिप पे, क्योंकि हुंजा दूर है इसलिए हमें बीच में स्टे करना पड़ा, रुकना पड़ा। अब हम लोग डायरेक्ट 8-10 घंटे का सफ़र होता है करके जाएंगे हुंजा वैली पे। उधर पहुंचेंगे, उधर ना थोड़ा रूम शूम मिलेंगे और फिर उधर एंजॉय वगैरह करेंगे 3 दिन उधर स्टे। और बाकी यार ये पहाड़ियाँ इतनी अच्छी लगी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लग रही है मेरी, माशाल्लाह यार लव यू। हो गया, मज़ा आया, हो गया। एनीवेज, तो अब हम जा रहे हैं, निकलते हैं जल्दी से। बैग शेक तैयार है, मैं व्लॉग शुरू करना भूल गया ना, तो अभी स्टार्ट करो, चलो जल्दी से चलते हैं। मैंने एक जो है बैग लगेज वो तो दे दी है बस पे लोड होने के लिए, बाकी जो दूसरा वो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें इसलिए। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब हम जा रहे हैं उम्रा के लिए। हमारे सामान रखे हैं, उसमें से मेरा बैग वो वाला है, ये ग्रीन वाला इधर जो आपको दिख रहा है। बाकी यार व्यू बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। हमारी बसेस तैयार हैं, बहुत सारी बसेस हैं और बस हम निकलते हैं थोड़ी देर में। और मैं अभी बेकरी से होकर आते, मेरे दोस्त अगर बेकरी में खा रहे, उन्होंने अंडा एग ब्रेड और थोड़ा सा चाय वगैरह पी थी, क्योंकि सुबह का सफ़र है और इतना 10 आवर्स का सफ़र है, तो भाई मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, और वरना अगर खा लूँगा तो यार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरी तबीयत ख़राब है, कल मुझे वॉमिटिंग भी हुई थी क्योंकि जो है 10 घंटे तक कंटिन्यूसली सफ़र करे बंदा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए। बाकी माशा यार ये सनराइज़ देखो, ये सन बहुत अच्छी धूप लग रही है, ठंड में जो धूप आ रही है ना इतना ऑसम लग रहा है। चलो जल्दी सब चलते हैं। भी मैंने दी है स्प्राइट पीने के लिए, क्योंकि जो है जब से मैं पंजाब में आया मेरी तबीयत ख़राब है और अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत मसला कर रहा है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा स्प्राइट को स्प्राइट पीने। बाकी मेरे पास पैसे हैं, बस घूमते चलते जितने और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, फन करेंगे, क्योंकि उधर बाजार भी लेके जा रहे, बॉन्ड फायर बहुत चीज़ें। चलो बस हाइकिंग भी करने चले इसको। देखो मिक्सर, 3 पहाड़ मिले, जैसे वो है हिमालय, एक है कराकरम, एक है हिंदूकश। इधर आए हैं और अभी हम इससे आगे जा रहे हैं गिलगित, उधर लंच है हमारा। बाकी आपको व्यू चेक कराते चले, चेक वो सामने देखो रिवर जा रहे हैं नेचुरल। चलो वो जो सामने है ना उधर चलते हैं, उधर में सारे अभी हम दिल्ली से पहुंचे थे खाना खाने के लिए और आप इनका व्यू चेक करो, माशाल्लाह कितना अच्छा है। जेपलाइन वाले एरिया पे और सामने तो हमने ग्लेशियर मिला, जो इस एरिया पे बहुत ज़्यादा इसलिए ठंड है। मैंने भी 2 जैकेट्स पहने और देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भीड़ के, ये एक्चुअली बीकानेर का होटल और इतना माशाल्लाह अच्छा होटल है, हमें बहुत अच्छा रूम मिले, मेरे पार्टनर्स के साथ मिले, तो चलो आपको रूम भी टूर कराएंगे। तो चलो जल्दी से, हमने खाना वाना खा चुके थे और पेड़ अभी राइस और शास्त्रिक समथिंग कुछ था, सो खा लिया था, सूख था और बस हम रूम वगैरह मिल चुका है। वो लाइक दिस वीडियो स्लो बस ये फुल स्टॉप देते हैं, बिकॉज हमने कल सोना और सुबह उठना है, तो कल का भी ब्लॉग आने वाला। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब मी टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।